हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह से मोहब्बत करने वाले, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहने वाले मेरे तमाम विश्वासी भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, मेरे सभी अजीजों, आज प्रभु यीशु के नाम से आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रभु का नाम आपके जीवन को साकार कर दे, ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आजकल हम इंसान बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, हमें अपनी गलती तो नजर नहीं आती, अपने गुनाहों को तो, अपने किए हुए कामों को तो नहीं देखते, अपने बगल वाले की, अपने भाई की बुरी बातों को देखने में बहुत मजा आता है, दूसरे पर उंगली उठाना बहुत अच्छा लगता है। मैं उन सभी उंगली उठाने वालों से पूछना चाहता हूँ, कभी तो आपने किसी को ये उंगली उठाई होगी कि आपने कभी इसको नोट किया है कि एक उंगली तो आप उसकी तरफ उठा रहे हैं, बाकी उंगलियां सब बंद हो गई हैं। ये आपको बिना कहे बता देती है कि देख तू उसे जो पर उंगली तो उठा रहा है, लेकिन सबसे अंदर उंगलियां नहीं उठा रहे। पति साथ में भी लिखा है कि तू पहले अपनी आंख का लट्ठा दे, बाद में तो अपने भाई की आंख का झटका देख लेना। हम अक्सर इस वचन को उल्टा ही कर देते हैं, हम पहले अपने भाई के तिनके को देखना चाहते हैं, अपने भाई के तिनके को देखते हैं, अपने आंख की लट्ठा किसी को नजर नहीं आता। तो वो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा शुक्रिया, तो प्रभु के लिए ऐसा कार्य करें, प्रभु के लिए आप ऐसे मिसाल बने कि प्रभु को आपके ऊपर घमंड हो, प्रभु आपके लिए कहे कि ये सच्चा मेरा सेवक है, मैंने अपने लोगों को बहाकर ऐसे लोगों के लिए गलत नहीं किया, बल्कि प्रभु को ऐसा कहना ना पड़े कि मैंने व्यर्थ ऐसे लोगों के लिए लोग हैं जो खुद का भी नाम खराब कर रहे हैं और मेरे लोगों को हारे का सिला भी खराब कर रहे हैं। मैं आपको ज़्यादा समझाना नहीं चाहता क्योंकि मैं इतना समझदार नहीं हूँ और आप इतने ना समझते हैं, तो उन्हें तो हम जैसे ना समझे को इसलिए चुना है ताकि समझदार लोगों को और अच्छी तरह समझा सकें कि जो आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, जो आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, ये सब दुष्कर्म है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर की बातों पर चलता है, जो कहता है कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता अगले कदम क्या होगा, मैंने जो भी पिछले कदम पे किया प्रभु तेरी आज्ञाओं को मान कर के किया है, आगे भी तेरी आज्ञाओं को मान कर अगला कदम रखूंगा। प्रभु से कहता है मेरे बेटे तू बेखौफ होकर के अपने कदम को रख, जहां तू कदम रखेगा वहां मैं अपना हाथ लगा दूंगा, तुझे ठोकर लगने से पहले मैं तुझे संभाल लूंगा, तुझे गिरने से पहले मैं तुझे उठा लूंगा, तेरा सर किसी के आगे झुकने नहीं पाएगा, तो किसी के एहसान का मोहताज नहीं आएगा, तेरा हाथ कभी किसी के आगे फैलेगा नहीं, तुझे मैं ऐसा फलवंत कर दूंगा, तुझे इतना आशीषित कर दूंगा कि तू दुनिया के जितने लोग हैं सबको देने वाला बनेगा। तो उन्हें मुझसे हमसे बहुत कर,
तेरे अन्न और जल की व्यवस्था खुद ब खुद परमेश्वर कर देगा। प्रभु ये नहीं कहता तू अपने लिए भी करता मत कर, प्रभु कहता तू जिस चीज में हार डालेगा, तू जिस क्षेत्र में मेरे नाम से कार्य को स्टार्ट करेगा, तुझे फलक से उठाकर आसमान की चोटी पर पहुंचा देगा, जो तूने सोचा भी नहीं होगा, जो तेरे चित में भी नहीं आया होगा, वो मैं तुझे करके बताऊंगा। इसलिए मेरे चीजों मेरे दोस्तों मेरे भाइयों प्रभु की बातों पर यकीन करना सीखिए। प्रभु बहुत महान है, प्रभु मुझसे आपसे प्रभु पर यकीन कीजिए, प्रभु पर भरोसा कीजिए, तो वो आपको सब कुछ दे देगा।